नमस्ते दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ कमिटमेंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट कमिटमेंट ये है कि ये वीडियो आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो होगा, वो भी ईयरफोन से रिलेटेड। और दूसरा मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। क्योंकि आज मैं जो बताऊँ ईयरफोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास आज हर तरह का ईयरफोन उपलब्ध है और सब ओरिजिनल है लगभग, ठीक है। और सब में सब तरह का प्रॉब्लम है। देखिए, जैसे किसी का, जैसे ये MI का ईयरफोन है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि तार टूटा हुआ है, ठीक, तार टूटा हुआ है। तो देखिए, यहाँ से तार टूटा हुआ है, इसको चेंज करना है। इसमें 5 वायर गया हुआ है। अब कहाँ से कौन तार जुटेगा नहीं जुटेगा, तो इसमें हम पूरा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। और जैसे एक और ईयरफोन है, ठीक है, जिसमें कि इसका ये जो है आपका ये टूटा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। हर तरह का ही ईयरफोन है। तो दोस्तों देखिए, ये सबसे पहले MI का है, ठीक। MI में क्या है कि ये तार टूटा हुआ है, ठीक। इसमें तो सारा ठीक है, समझे। ये जो है जड़ से एक तार टूटा हुआ है। देखिए, यहाँ भी तार का कंडीशन देख लीजिए क्या कंडीशन है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ भी क्या कंडीशन है, ठीक। तो यहाँ से काट के जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे वो मैं बताऊँगा। ये MI का हेडफोन है। और दूसरा ईयरफोन मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, ये ओप्पो का ईयरफोन है, ठीक। इसमें क्या है कि यहाँ से जो है तार टूट गया है, ये ठीक है। इसको भी जोड़ना है, ठीक। और तीसरा ईयरफोन क्या है कि देखिए, इसमें तो आपको जाहिर सी बात है स्पीकर का तार जोड़ना पड़ेगा, ये टूट गया है। स्पीकर का ये तार सिर्फ जोड़ना है, ठीक है, तो नॉर्मल है, ये हो गया। दूसरा है कि इसमें भी जो है तार टूट गया है, इसको भी जोड़ना है, ठीक है, देख लीजिए। और ये है यूवन का है, ठीक है, तो एक साइड नहीं बज रहा है, तो इसमें चेक करेंगे कि यहाँ से बीमारी है या यहाँ से बीमारी है, या स्पीकर ख़राब है, या तार कोई कहीं से कुछ लीकेज है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं देखूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम MI का ईयरफोन ही बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस पर जो है हम दूसरा तार इसमें लगाएंगे, ठीक है। ये तार जो है नया लगाएंगे, ठीक। मेरे पास है कोई एक पुराना ही तार है, तो देखिए ये तार मैंने खोल के रखा है, और इसको मैं इसमें सेट करूँगा, ठीक है। ऐसे कलर तो मिसमैच रहेगा, फिर भी हम आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका माइक देखिए यहाँ पे है, ठीक है, और कॉल रिसीव, ठीक है, का बटन ये है, इसके अंदर ही माइक है, ठीक है। ये तो तार पूरा ख़त्म हो गया है, तो इस तार को पहले हम छील लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये सब तार है, अब कौन किस में तार जाएगा नहीं जाएगा वो देखना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए लीड का जो है कौन लेफ्ट राइट माइक ग्राउंड होता है। तो आप तो जानते ही हैं कि ये जो है लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये ग्राउंड होता है, और ये माइक होता है, ठीक है। I mean फर्स्ट जो है लेफ्ट, सेकेंड राइट, ठीक है, थर्ड हो गया ग्राउंड, फोर्थ हो गया माइक, ठीक है। तो इसमें जो है वायर का कौन कौन सा कनेक्शन होता है मैं तो जानता हूँ। ये जो है ग्रीन और ब्लू जो है ना, ये लेफ्ट राइट ऑडियो हो गया, ठीक है। I mean ये दोनों का हो गया, लेफ्ट राइट ऑडियो का हो गया, ठीक है। और ये जो सिल्वर कलर जो है आपका, ठीक है, ये हो गया ग्राउंड, ये कलर जो है ये हो गया ग्राउंड, सिल्वर कलर है ये, ग्राउंड हो गया। और ये ग्राउंड ये 3 नंबर का है, और ये रेड जो है ये हो गया माइक, ये 4th का है, ये रेड कलर जो है ना वायर, ये हो गया माइक का। तो मैं जानता हूँ, आप चेक करके कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइट टेस्टर जैसे आता है ना, उससे जो है आप
कंटिन्यूटी, जैसे एक तार इसमें सटाएं, ठीक है, एक तार इसमें सटाएं, ठीक है, और एक तार इसमें सटाइएगा तो कंटिन्यूटी चेंज बताएगा, क्योंकि अभी इसीलिए नहीं बता रहा है क्योंकि ये जो है ऊपर से जो है पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, तो इसको अभी जो है हटाएंगे तो फिर जो कंटिन्यूटी बताएगा। तो हम थोड़ा सोलर आयरन से इसको हम जो भी है ये सबको क्लीन साफ कर देते हैं, ठीक है, ताकि सोल्डिंग ठीक से होगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं माचिस से हल्का सा जला के, ठीक है, माचिस से हल्का सा जला के जो है उसका रैपर ऊपर का हटा सकते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए मैंने ये सब तार में सोल्डिंग कर लिया है, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो देखना ये है कि इसमें जो है तीन तार है, इसमें दो तार है, ठीक है, तो क्यों इसमें तीन तार है? तो सबसे पहला बात है कि इसमें एक माइक का है, ठीक है, एक लेफ्ट ऑडियो का है, एक ग्राउंड है, ठीक है, और इसमें लेफ्ट ऑडियो का, राइट का ऑडियो का है, और इसमें एक ग्राउंड का है, ठीक है। इसमें देखना है, इसको मैंने खोल दिया है, ठीक है, तो इसका कौन सा ग्राउंड है, ठीक है, तो ये हो गया आपको, ये हो गया आपको माइक, ठीक है, जिसमें वाइट कलर का रेपर है, ये माइक हो गया, ये रेड हो गया, ये हो गया राइट, ये आर लिखा हुआ राइट ऑडियो हो गया, और ये जो हो गया ये ग्राउंड हो गया ये वायर, ठीक है। तो रेड जो है राइट हो गया, ग्राउंड जो है वो है। तो इसमें ये देखना है कि देखिए तो माइक जो है, देखिए दोस्तों ये तार जो ये माइक का है, ठीक है, ये तार माइक का, ये ग्राउंड का है, ये राइट ऑडियो का है, ठीक है, तो ये माइक का तार है, ठीक, देखिए ये वाइट वाला रैपर लगा हुआ है, ठीक है, ये जो है माइक का है। तो सबसे पहला बात है कि माइक का जो है, देखिए इसमें क्या करना है कि माइक का जो है, देखिए ये रेड वाला माइक का है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, क्योंकि मैंने चेक किया है, ठीक है, क्योंकि इसका ये पिन माइक का काम करता है ना, ये पिन, ठीक है, तो यहाँ मैंने सोल्डिंग कर दिया, ठीक है। ऐसे मैं आपको दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, ठीक है, ये माइक का है और ये जो है ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, तो ग्राउंड है, तो देखिए इसका ग्राउंड और इसका कोई भी एक, ठीक है, स्पीकर का, ये दोनों जोड़ के जो है, ठीक है, ये ग्राउंड आपका ये है, ठीक, ग्राउंड कौन सा इसमें है, देखिए इसमें ग्राउंड कौन सा है, इसमें ये थर्ड नंबर का ग्राउंड है, ठीक है, थर्ड नंबर का तार ये जो है सिल्वर कलर का, ये ग्राउंड है, तो ये दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि देखिए स्पीकर का, देखिए इस ये भी स्पीकर एक ग्राउंड होता है, इसका भी एक ग्राउंड होता है, और एक लेफ्ट ऑडियो का, एक राइट ऑडियो का, ठीक है, तो मैं इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है दोस्तों, मैंने जोड़ दिया है। और देखिए अब क्या है, बचा एक इसका तार, ठीक है, लेफ्ट राइट ऑडियो का, है ना, ये हो गया लेफ्ट ऑडियो का, ये राइट ऑडियो का, बस इसमें बस आराम से ये हो गया लेफ्ट ऑडियो का या राइट जो भी हो, एनीवे, ठीक है, एक दूसरे में जोड़ दीजिए, ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। हम ऐसे नॉर्मल जोड़ रहे हैं, थोड़ा आप अच्छा जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ताकि सोल्डिंग ना छूटे, और दोस्तों ये 100% काम करेगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक, और इसको आप कोई भी अच्छा सा डब्बा में, इसको पहले टेप मारना पड़ेगा, ठीक है, और कोई अच्छा सा डब्बा में इसको फिट करके जो है, कोई लंबा सा डब्बा में,
ये कोई भी ये सब कोई अच्छा सा पुराना सब तो हेडफोन होगा ही आप लोगों के पास, कोई डब्बा में टेप उप मार के अच्छा से फिक्स कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपको कनेक्शन तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं इसका एक डायग्राम जो है बना के मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। तो कमेंट में पूछिएगा ज़रूर। दूसरा हेडफोन क्या है, ये तो ओप्पो का है, ठीक है। ओप्पो में क्या दिक्कत है कि यहाँ से टूट गया है, तो ये तार कहाँ कहाँ जुटेगा तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम तो देखिए दोस्तों, मैंने इस सब का सोल्डिंग जो है कर दिया है तार छील के, ठीक है। देख लीजिए, तो इसमें जोड़ना है तो इतना जान लीजिए, आप इसको खोल के भी लेफ्ट राइट देख सकते हैं कौन किसका है, मगर हम तो जानते हैं, ठीक है। ये गोल्डन जो ग्राउंड है, ये रेड माइक का है, ये लेफ्ट राइट ऑडियो है, ठीक है। तो आप तो जानते ही हैं, ठीक है, कि ये लेफ्ट ऑडियो राइट ऑडियो, ये ग्राउंड, ये माइक, ठीक है। तो देखिए ये सबसे ये जो फर्स्ट वाला है, ये हो गया ऑडियो लेफ्ट, ये हो गया राइट ऑडियो, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया माइक, ठीक है। तो सीधी जो बात हम जोड़ देते हैं, तो सबसे पहला तो लेफ्ट राइट ऑडियो जुटेगा, जोड़ देते हैं। सबसे पहले इसको स्लीव को अंदर डाल देते हैं इसका, तो दोस्तों मैंने इसके अंदर कर दिया है, ठीक है। अब सिर्फ सोल्डिंग करना बाकी है, तो सोल्डिंग कर देते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट राइट ऑडियो जाएगा, कोई किसी में भी जोड़ सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देखिए मैं जोड़ रहा हूँ, ऑडियो हो गया लेफ्ट, ये राइट ऑडियो हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर आता है ग्राउंड का, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राउंड, ठीक। और चौथे नंबर पे आता है रेड वाला माइक, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सिंपल तो बहुत सा ज़्यादा है, मगर लोग को पता नहीं है, होता है तो हेडफोन को फेंक देते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इसको अच्छा से लेके जो है ये स्लिप जो है आप डाल देंगे, तो फिर देखिए ये ठीक है ना, कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है, ठीक। देख रहे हैं ये दो को, आपको एक तो एमआई का बना दिए, एक ये हो गया। उसके बाद ये सब तो सिंपल है, ठीक है, बस। तो देखिए दोस्तों, मैं ये तार जो है दोनों तार इसमें जोड़ूंगा। तो ये हो गया ये साइड, देखिए एल लिखा हुआ, ये राइट आर लिखा हुआ है। तो ये साइड जो है राइट ऑडियो, ये लेफ्ट ऑडियो, आई मीन कोई तार भी एक दूसरे का एक एक तार जाएगा, और बीच में दो ग्राउंड है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप जोड़ेंगे थोड़ा अच्छा तरह से जो है, कुछ रख के जोड़ेंगे ताकि दिक्कत ना हो जोड़ने में, ठीक है। तो दोस्तों तो
तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको थोड़ा टाइट कर दिया है ताकि सोल्डिंग करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एक ग्राउंड जो है तार जो है थोड़ा सा आपको सही से पतला कर लेना है ताकि एक दूसरे में जॉइंट ना हो, ठीक है। तो देखिए हो गया, हो गया। अब एक इसका भी जो है पूरा मोड़ देना अच्छा से, नहीं तो एक दूसरे में सटेगा तो फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं जोड़ दिया हूँ, ठीक है। और इसका जो है कैप फिर लगा देंगे, ठीक। तो वीडियो अगर जितना देखिए, ये इसमें भी वैसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिर्फ तार ही जोड़ना है, तो आप तो AGV में जोड़ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।